अगर आपको खांसी हो गई है, चाहे वो ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, और खास खास के आपका बुरा हाल हो गया है, माथा दुखने लग गया है, गला छिल गया है, सो इन दिस कंडीशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा खांसी एक रिफ्लेक्स है, न कि कोई बीमारी। जब हमारे गले में या हमारे ट्रेचिया के अंदर किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें खांसी आती है। इसे बोलते हैं सूखी खांसी, यानी ड्राई कफ। ऑन द अदर हैंड, जब हमारे लंग्स के अंदर किसी बैक्टीरिया या वायरस के अटैक के वजह से वहाँ पे एक्सेस म्यूकस बन जाता है, यानी कफ बन जाता है, तो हमें आती है गीली खांसी, यानी वेट कफ। इसीलिए तो कहते हैं आयुर्वेदा बीमारी की जड़ पे काम करता है और बीमारी को जड़ समेत खत्म कर देता है। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 आयुर्वेदिक टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी खांसी ओनली 3 डेज के अंदर ठीक कर सकते हैं। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। हमारी फर्स्ट टिप आती है पतंजलि स्वासारी प्रवाही। चाहे आपको सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, स्वासारी दोनों के अंदर ही अपने बेस्ट रिजल्ट देता है। इसे यूज करने के फर्स्ट डे के अंदर ही आपकी खांसी में आपको आराम मिलने लग जाएगा, और इसकी बेस्ट बात तो ये है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किए गए हैं। इसके अंदर यूज होने वाले आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है खांसी को ठीक करने में, चाहे वो आपके गले का इन्फेक्शन हो या फिर आपके लंग के अंदर एक्सेस म्यूकस भरा हुआ हो। अब इसके डोजेस जान लो। 15 साल से छोटे बच्चों को इसके 10-15 ml देना है 1 कप गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, और 15 साल से बड़े लोगों के लिए 10-15 ml 1 कप गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार। स्वासारी प्रवाही को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहां से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। हमारी सेकेंड टिप आ जाती है अदरक का रस। अदरक का रस बोथ ड्राई कफ एंड वेट कफ को ठीक करने में रामबाण है। एज अदरक के रस के अंदर बोथ एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके लंग्स या ट्रेचिया के अंदर हुए हुए किसी भी फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत अच्छे से कॉम्बैट करती है और आपकी खांसी को बहुत जल्दी जल्दी ठीक कर लेती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप दिन में 3 बार 1 चम्मच अदरक का रस जरूर लें, और हर डोज के बीच में 4 आवर्स का गैप रखना। नाउ 1 चम्मच अदरक के रस के अंदर 1 चम्मच शहद मिलाना मत भूलना, इससे अदरक का जो झाल होता है वो भी कम हो जाएगा और उसकी बेनिफिशियरी क्वालिटीज भी इंक्रीज होती है इससे। हमारी थर्ड टिप आ जाती है शहद। खास खास करके जब आपका गला छिल जाता है, पेट दुखने लग जाता है, यहाँ तक कि बहुत लोगों का माथा भी दुखने लग जाता है, तब शहद चाटना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एज शहद के अंदर हीलिंग एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके छीले हुए गले और इंटरनल ऑर्गन्स में हो रहे दर्द को बहुत जल्दी ठीक करती है। ऑल्सो इन आयुर्वेदा शहद को पित्तवर्धक और कफ नाशक कहा गया है। यहाँ पे कफ का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट होता है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस म्यूकस बन जाता है हमारे लंग्स में और हमें खांसी आती है, तो शहद उस एक्सेस म्यूकस को कंज्यूम कर देता है और हमारी खांसी बंद हो जाती है। अब जान लो आपको शहद कंज्यूम कैसे करना है। आपको हर 2 घंटे के अंदर 1 टीस्पून शहद चाटना है, और शहद चाटने के लगभग आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना, जिससे शहद को अपना काम करने के लिए एनफ टाइम मिल जाएगा। नाउ शहद चाटने से ये आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस म्यूकस को कंज्यूम करेगा, और इन एडिशन टू डैट ये आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा। एज खांसी और बुखार की वजह से जो वीकनेस आ जाती है, शहद उसे दूर करता है। हमारी फोर्थ टिप आती है हल्दी का दूध। जब भी हमें चोट लगती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारी मम्मी हमें हल्दी का दूध पिलाती है, बिकॉज हल्दी के अंदर एंटीवायरल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे ट्रेचिया के अंदर हुए किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ओनली 2 डोज के अंदर ठीक कर सकती है। इन केस ऑफ ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में हल्दी का दूध बेस्ट मेडिसिन है। ये आपकी सूखी खांसी को सिर्फ 2 दिन के अंदर ठीक करने की पावर रखता है। बट इन द केस ऑफ वेट कफ यानी गीली खांसी के अंदर मैं आपको हल्दी का दूध उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दूध कफ वर्धक होता है, तो गीली खांसी के अंदर आपका कफ बढ़ सकता है। बट अगर आप लेना चाहें तो रात को सोने से पहले 1 कप हल्दी का दूध ले सकते हैं गीली खांसी के टाइम पे। नाउ इन केस ऑफ ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में आपको हल्दी का दूध दिन में 2 बार लेना है, 1 बार सुबह उठते ही और 1 बार रात को सोते समय। आपको सुबह उठते ही 1 कप से ज्यादा हल्दी का दूध नहीं लेना है, और रात को सोने समय 1 गिलास भर के हल्दी का दूध ले सकते हो। हमारी फाइनल टिप आती है हॉट वाटर। गर्म पानी एक मल्टीटास्कर है।
अगर आप जिम करते हैं तो जिम के बाद गर्म पानी से नहाने से ये आपके मसल की सोरनेस को कम करता है, आपकी मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जब बात आती है सर्दी खांसी की, तो गर्म पानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। चाहे आपको ड्राई कफ हो या गीली खांसी हो, दोनों केस के अंदर आपको गर्म पानी का यूज करना है। जब तक आपको खांसी है तब तक आप ल्यूक वार्म वाटर ही पिए, मतलब ज्यादा खोलता पानी नहीं, जिस पानी को आप आराम से पी सकते हो वो पानी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको जब भी प्यास लगे तब आप गर्म पानी ही पिए, और ठंडा पानी पीने के तो सोचना भी मत। और अगर हो सके और आपको बुखार नहीं आता हो या फिर ठंडी का मौसम चल रहा हो तो आप गर्म पानी से नहाएं, अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी से नहा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर कॉन्स्टिपेशन दूर करने की वीडियो चल रही है, आप वो देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।